हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोणों का रेखिक युग्म। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज सम इज द स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक तरीके का एडजेसेंट एंगल का पेयर होता है जिसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, ये लाइन है, और यहाँ पर अगर मैं दो एंगल ड्रॉ करूँ, ये स्ट्रेट एंगल है और इनका सम क्या है 180 डिग्री, ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर जिन भी एडजेसेंट एंगल का जो सम है 180 डिग्री होगा वो हमारे क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। अब एंगल हमारे दो भी हो सकते हैं उस लाइन पर, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, यहाँ मैंने थ्री एंगल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है, तो इन तीनों एंगल का जो सम है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हमें बस ये याद रखना है कि लीनियर पेयर में जो एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो अब इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे इसमें बोला फाइंड दी अननोन एंगल्स, अब हमारे पास यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, एक है 130 डिग्री और एक है x, तो दो एंगल है, हमें पता है कि दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री, मतलब कि x प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर है तो सम 180 होगा, तो x क्या आ जाएगा हमारा 180 माइनस 130 इक्वल टू हो गया कितना 50 डिग्री। तो ये जो x एंगल है वो हो गया 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो स्ट्रेट एंगल है उस पर तीन एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या होगा 180 होगा, तो 6x माइनस 10 प्लस 4x प्लस 6 प्लस 7x प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x वाली जो टर्म है उनको एक साथ प्लस कर देते हैं, तो 6x प्लस 4x प्लस 7x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17x, और नेक्स्ट क्या बचेगा माइनस 10 प्लस 6 और प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 10 प्लस का 10 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 180। तो 17x इक्वल आ गया हमारे पास 180 माइनस 10, तो 17x इक्वल टू कितना हो गया 170। तो हमारे पास x क्या हो जाएगा 170 अपॉन में 17, तो कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 10, तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 10। अब अगर हमसे पूछा जाए कि तीनों एंगल बताइए क्या क्या होंगे, तो वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट एंगल जो था हमारे पास क्या था, 6x माइनस 10, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई है 10, तो 6 इंटू 10 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 10 इक्वल टू हो गया 50। तो फर्स्ट एंगल तो 50 हो गया। सेकेंड एंगल हमारे पास था 4x प्लस 6, तो 4x प्लस 6 डिग्री, तो 4 इंटू 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 6 46 हो गया। नेक्स्ट एंगल हो गया हमारे पास 46, और थर्ड निकाल लेते हैं, थर्ड था 7x प्लस 14, तो 7 इंटू 10 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 84। तो हमारे पास ये तीन एंगल आ गए, और तीनों को अगर हम ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इसमें वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चार एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर चार एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3
एंगल 4। तो इसमें क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो भी आमने सामने के कोण होते हैं, एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमारे पास एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, और एंगल 4 जो है वो हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट केस देखते हैं, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इसमें से हमारे पास चार एंगल में से एक एंगल दे रखा है 55। ठीक है, तब एक्स वाई और जेड बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 55 है। ठीक है, ये हमारे पास 55 है। अभी हमने देखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल में आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल एक्स जो आएगा वो भी कितना आएगा, 55 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा एक्स कितना आ गया, एक्स भी हमारा कितना आ गया, 55 आ गया। अब हमारे पास जेड और वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था लीनियर पेयर, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पर, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे, एक 55 और एक वाई। ठीक है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। तो 55 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिख देंगे लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर है 180 डिग्री है, तो वाई हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 55 डिग्री। तो 180 में से 55 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 125 डिग्री। तो y हमारा कितना हो गया, 125। अब y 125 है तो z कितना हो जाएगा, वही 125, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y इक्वल हो जाएगा z के 125। रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। तो अब देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर बाहरी कोण। तो एकांतर बाहरी कोण। अब जो भी एंगल बाहर बनेंगे वो हमारे एक्सटीरियर होंगे, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो इस फिगर में आपको दिख रहे होंगे ये 8 एंगल। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो हो जाएंगे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। ठीक है, और एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के, एंगल 8 के। तो ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, ये भी इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। अब ये क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। इंटीरियर एंगल, इसको यहाँ लिखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, अब हमारे पास जो भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास सेम साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों सेम साइड पर है। इसी तरीके से 4 और 5 भी सेम साइड पर है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 दोनों का सम कितना हो जाएगा,